हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडी रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी और साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स और लिब्रा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नहीं ले रही अभी प्रिपेयर ही नहीं है। एट ऑफ कप्स, काफी सारी चीजों से हो सकता है कि आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो इस टाइम पे और थोड़े से हो सकता है परेशान भी चल रहे हों इमोशनली मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से परेशान चल रहे हो, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल मिल रही है लाइफ में। और यहाँ पे मुझे पता है क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो आपकी लाइफ में, लाइफ की चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको खुशी नहीं मिल रही है ना, ये वाली मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। और जस्ट आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे लोग आपको समझें। हो सकता है आप जॉब भी करते हो, जिस भी फील्ड में हो आप, जिस कर रहे हो पैसे के लिए मनी के लिए, बट आपको दिल से खुशी नहीं मिल रही हो। हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी हो आप लोग की लाइफ में, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हो, तो एक मूव ऑन करने वाला, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाला मुझे यहाँ पे फेस दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आगे तो आप बढ़ रहे हो, ये पर्सन है ना जा रहा है तो आगे तो आप बढ़ रहे हो। हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हों। जस्ट आप लोग का बिहेवियर ऐसा होगा कि आप इजीली ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते होंगे। कोई भी स्विच करना रिलेशनशिप में हो तो मूव ऑन करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा चीज़ों से, लोगों से, और इसी की वजह से आप परेशान हों कि आपकी जो लाइफ है वो आगे मूव नहीं कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, ये वीक आपका डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने का है, आपको भरना पड़ेगा आगे आपके लिए। और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड है। 10 of Cups, देखो आपको शायद अभी हैप्पीनेस दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको बताऊँ अभी शायद आप स्टक फील कर रहे हो आपकी लाइफ को, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुशी नहीं है कोई, या फिर आपको बहुत स्ट्रगल के बाद खुशी मिलती है। बट ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ना, उन्होंने पूरी आपकी लाइफ सेटल कर रखी है। हो सकता है जिस पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके लिए हो ही नहीं, यूनिवर्स ने कोई बहुत अच्छा पर्सन आपके लिए सोच रखा हो जो आप डिजर्व करते हो। थोड़ा सा हो सकता है कि जो भी चीज़ है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे हो, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और मैं आपको बताऊँ आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक और कार्ड लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। आप लोग परेशान नहीं हो प्लीज, इतना दुखी रहने से क्या मिलता है। मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए और अगर कुछ चीज़ गलत है तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है ना। आप लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो अपने सर पे, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जिन्हें आप चाह रहे हो कि आप अपने एफर्ट से उन्हें सही कर लोगे, उनकी फीलिंग्स को आप अपने लिए करवा सकते हो, सॉरी मैं कह नहीं पा रही हूँ मैं एग्जैक्टली, बट आप समझिए, तो ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप खुद को समझा सकते हो, डिसीजन लेना आपके हाथ में है। और ऐसी जगह एफर्ट्स ना करो जहाँ पे आपको रिजल्ट ही ना मिले। हाँ, आपके कैरियर की बात करूँ तो मुझे कैरियर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और वैसे आपका ये जो वीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इंगेज रहोगे, काफ़ी सारी आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती हैं, न्यूज़ बहुत सारी मिलेंगी, मैं आपको ये बताती हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा इस वीक, चीज़ें ऐसे होंगी काफ़ी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में होंगी। अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे ना, ये वीक नहीं है ऐसा, आपको बहुत जल्दी चीज़ों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये ना कोई भी मेजर अरकाना नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप अभी जिन एनर्जीज में हो ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे। और यहाँ पे 10 of Cups है, तो आप बिलीव करिए, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है और
इन फ्यूचर अभी आप नहीं देख पा रहे हो, बट सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, राइट। अब मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ गाइडेंस फॉर लिब्रा। एंजल ऑफ लव, तो अपने अंदर के ना प्यार को नहीं खोने देना, कि अगर आपको एक पर्सन से नहीं मिला है, आपको एक जगह से धोखा मिला, चीट मिला, कुछ भी मिला, तो आप अपने अंदर के उस प्यार को ही कहीं दफन कर दें। वो चीज़ नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा ना, तो वो चीज़ थी लाइफ में कि आप अपना, हो सकता है या तो कर्मा रिलीज कर रहे हो पास्ट लाइफ का कुछ, या फिर हो सकता है कि आपको लाइफ में लेसन्स मिलने हों, आप और स्ट्रांग बन जाए। तो जो कुछ भी होता है ना, किसी ना किसी रीज़न से होता है, बेवजह नहीं होता है। आप भरोसा रखिए, आप हिम्मत रखिए, और अपने जो अंदर का जो प्यार है उसे मरने मत दीजिए। उसको कहीं ऐसे मत करिए कि आप इतने रूड हो जाओ, या फिर ऐसा सोचो कि अब आगे किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट बना लो, तो ऐसा नहीं करिए। होप फॉर दी बेस्ट, राइट। एंड देन वी हैव दी थिंकिंग मैन, तो हो सकता है कोई पर्सन आपको आपके हील करने में काफ़ी हेल्प करे। वो पर्सन हो सकते हैं आपके कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर एक ऐसा पर्सन ना जो आपको राइट गाइडेंस देगा कि कैसे आपको हील होना है, कैसे आपको चीज़ों को समझना है। और आप यहाँ पे मुझे ये कट कह रहा है कि आप क्रिस्टल्स के साथ भी अगर वर्क करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्ज़ का मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है, अगर आप उस क्रिस्टल को एनालाइज करके पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं इस टाइप से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस। लिब्रा, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने कहा ना, अगर आप हेल्प नहीं मांग रहे हो तो हेल्प मांगिए, आपके फ्रेंड से बोलिए आपको मूव ऑन करने में हेल्प करें, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई ना कोई करेगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको हील करने में मदद करेगा। आपको जस्ट उन्हें करने देना है, वो हेल्प कर रहे हैं ना, तो उन्हें करने दीजिए। आप ज़्यादा मत सोचिए। कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ यहाँ पे आपको इस वीक कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप से ही रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करने पड़ सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा जो भी सिचुएशन है उसको अडप्ट करने की कोशिश करिए, खुद को संभालिए। सबसे पहले ये कहूँगी, अगर परेशान हो तो हील हो जाओगे, उसकी टेंशन नहीं लो। और जो भी आपके अंदर का प्यार है ना, खुद से करते रहो। सबसे पहले खुद को प्यार करो, सेल्फ लव करना सीखो, सेल्फ लव के लिए अफर्मेशन दो, और अपना ख्याल रखो। यही कहूँगी बस। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।